इस पूरी दुनिया में ऐसी कई रहस्यमय चीज़ें हैं जिसके बारे में अभी तक कोई भी साइंस पता नहीं लगा पाया है, या फिर यूँ कहें जहाँ से साइंस ख़त्म होता है वहाँ से ही यह रहस्यमय चीज़ों की शुरुआत होती है, चाहे वो धर्म हो या फिर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, यानी ऐसी घटनाएं जिसे मानना असंभव सा लगे। इन्हीं सब में भूतिया जगहों का नाम आना आम बात है। इस पूरी दुनिया में ऐसी कई सारी जगह है जिन्हें भूतिया जगहों के नाम से जाना जाता है, जहाँ कुछ या कहीं बहुत कुछ ऐसा कैप्चर किया गया है जो हम इंसानों के लिए सच मानना बहुत कठिन कर देता है। आज मैं आपको इन्हीं भूतिया जगहों में से ऐसी टॉप 5 भूतिया जगहों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वास्तव में आपको ऐसी लगेगी जैसे आपने सोची नहीं होगी, यानी अनरियल और अनइमेजिनरी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको ऐसी मज़ेदार वीडियो और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने को मिले। नंबर 5, टावर ऑफ लंदन। टावर ऑफ लंदन दुनिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। इसके भूतिया होने का कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ पर 400 से भी ज़्यादा लोगों की मौत की सज़ा दी गई थी, जिनमें एन बोलिन जो हेनरी 8वीं की पत्नी और लेडी जेन ग्रे भी शामिल है, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड 9 दिनों के लिए थी। कई लोगों ने यहाँ भूतों को देखा है, जिनमें लोगों का कहना है कि उन्होंने एन बोलिन को टावर के गलियारों में घूमते हुए देखा है, और वो भी अपना सर हाथ में लेकर। और यहाँ पर आने जाने वालों और कई कर्मचारियों ने यहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ की रिपोर्ट की है, जैसे अजीब आवाज़ों का आना, अजीब कदमों की आवाज़, चीखने और फुसफुसाने की, दरवाज़ों के अपने आप खुलने और बंद होने की, भूतिया चीज़ें और छाएं दिखने और रहस्यमयी रोशनी दिखने की। नंबर 4, फन हिल होटल इंडिया। होटल फन हिल भारत के ऊटी तमिलनाडु में स्थित एक भूतिया होटल माना जाता है। इससे जुड़ा एक बॉलीवुड का किस्सा भी है। बॉलीवुड कोरियोग्राफर सरोज खान और उनकी टीम एक रात इस होटल में रुकी। उसी रात उनको उनकी टीम को पहली मंजिल से फर्नीचर के एक जगह से दूसरी जगह खिसकाने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने उसी रात होटल के मैनेजमेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश की, पर लाइन बंद थी। अगली सुबह जब उन्होंने होटल के मैनेजमेंट से बात की तो वो सब हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उसके ऊपर कोई मंजिल ही नहीं थी। ऐसी घटनाओं की खबर बार बार आने के बाद ये होटल बंद कर दिया गया। नंबर 3 पर है आइलैंड ऑफ डॉल्स, मैक्सिको। आइलैंड ऑफ डॉल्स दुनिया भर में सबसे ज़्यादा भूतिया जगहों में से एक है। एक कहानी के अनुसार यहाँ एक लड़की की मौत मैक्सिकन नदी में डूबने से हुई थी। जब जूलियन बैरिश नाम का एक व्यक्ति उस द्वीप पर रहने आए तो उन्हें लड़की की आत्मा परेशान करने लगी। वो लड़की की आत्मा को खुश करने के लिए उन्होंने उस आइलैंड पर कई सारी गुड़ियाँ लटका दी। कुछ समय बाद जूलियन ने अपने भतीजे से कहा कि लड़की चाहती है कि उसके साथ खेलने के लिए वो उस आइलैंड में आ जाए। बाद में उसकी डेड बॉडी उसी जगह मिली जहां उस लड़की की डेड बॉडी थी। वहां के पर्यटकों ने कहा कि वहां की सभी गुड़ियाँ डरावनी है और भूतिया हैं, वो उनका पीछा करती हैं और बच्ची के हंसने की और फुसफुसाहट की आवाज़ें भी आती हैं। नंबर 2, पोर्ट आर्थर इन तस्मानिया, ऑस्ट्रेलिया। ब्रिटिशर्स ने 1830 में तस्मानिया के पोर्ट आर्थर को एक सजा देने की जगह के रूप में स्थापित किया था। यूनाइटेड किंगडम से आने के बाद कैदियों को जेल और कठोर श्रम और फिजिकल और मेंटली दोनों तरीकों से प्रताड़ित किया जाता था। 1877 में ऑपरेशन बंद होने से पहले कैदियों में से 1000 से ज़्यादाओं की मौत हो गई थी। तब से वहां आने जाने वाले लोगों ने 19वीं सदी के कपड़े पहने भूतों को अचानक खिड़कियों पर आते हुए देखा है, इसलिए इस जगह को भूतिया माना जाता है। नंबर 1 पर है भारत के राजस्थान में स्थित भानगढ़ का किला। बहुत से लोगों का मानना है कि भानगढ़ का किला भूतिया है, और अनेक किस्सों की वजह से लोगों की इच्छा यहाँ आने की रहती है। यहाँ सूरज डूबने के बाद जाना बहादुरी और बेवकूफ़ी का काम माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने यहाँ रात में जाना बैन कर दिया है। भानगढ़ के किले को लेकर एक कहानी सबसे प्रचलित है कि माधव ने अपने गुरु व तपस्वी की इच्छा से यह किला बनवाया था। माधव सिंह के गुरु जो एक तपस्वी थे, उन्होंने इस किले बनवाने के ऊपर एक शर्त रखी थी। शर्त ये थी कि इस किले की परछाई कभी उनके तपस्या स्थल पर नहीं पड़ेगी, परंतु किले के बनने के बाद उसकी परछाई उनके तपस्या स्थल पर पड़ जाने के कारण उन्होंने
श्राप दिया कि भानगढ़ का किला तहस नहस हो जाएगा। वैज्ञानिक भानगढ़ की कहानियों को खारिज करते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस किले को भूतिया मानते हैं। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उन्होंने औरत के चिल्लाने, चूड़ियां तोड़ने और रोने की आवाज़ें सुनी है। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि किले से संगीत की आवाज़ें आती है और अलग अलग तरह की परछाइयां भी दिखती है। कुछ लोग बताते हैं कि कोई उनका पीछा भी करता है। ऐसे ही कुछ बातें किले के बारे में सामने आई हैं। खैर, किसी भी स्थान की सच्चाई के बारे में हम नहीं जानते कि अलौकिक शक्तियों का वास्तव में है या नहीं। तो आज के लिए इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना, और कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको इन सभी जगहों में से ऐसी कौन सी जगह लगी जहां आपको लगता है कि यहां भूत हो सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।